लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दारोगा भर्ती में लंबाई बढ़ाने के लिए बालों में मैं हंदी लगाकर पहुंचा कैंडिडेट, ऐसे पकड़ा गया मेरठ। मेरठ में चल रही दारोगा भर्ती के फिजिकल टेस्ट में एक नौजवान सर के बालों पर गीली मेहंदी लगाकर पहुंचा। अभ्यर्थी की लंबाई थोड़ी कम थी, लंबाई को कुछ सेमी बढ़ाने के लिए उसने अपने बालों में मेहंदी लगाकर और गीली मेहंदी बीच में रखकर उन्हें खड़े कर लिए, लेकिन जांच के लिए आए अफसरों ने उसे पकड़ लिया। दारोगा बनने के लिए सिर पर लगाई मेहंदी मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पुलिस लाइन में चल रहे दारोगा भर्ती के फिजिकल नाप तौल में जब बुलंदशहर का अंकित अपनी लंबाई नपवाने के लिए मेजर मशीन पर खड़ा हुआ तो सिर के ऊपर रखी प्लेट एकाएक लाल हो गई। अफसरों की जांच में उसकी लंबाई पूरी थी, लेकिन तभी एक अफसर की नज़र मेजर मशीन पर पड़ी तो उन्होंने अंकित को रोक लिया। उसके बाल चेक किए गए तो ऊपर के बाल सूखे थे और सिर के बीचों बीच गीली मेहंदी रखी हुई थी। यह देख अफसर चौंक गए। अफसरों ने अंकित को तत्काल हिरासत में ले लिया। उसके बाल धुलवाने के बाद जब दोबारा जांच हुई तो उसकी लंबाई मानक से कम निकली। फर्जीवाड़े में सॉल्वर गैंग के होने का भी शक अंकित ने तो अफसरों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की पारदर्शिता फिजिकल टेस्ट में सवालों के घेरे में है। बीते दो दिनों में मेरठ में ऐसे कई अभ्यर्थी सामने आए हैं जिनके फोटो का मिलान तो हो रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन पर उनका अंगूठा फेल हो जा रहा है। यानी जिस बायोमेट्रिक पहचान से अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, वह अंगूठा अब फिजिकल टेस्ट में उनके अंगूठे की पहचान का सत्यापन नहीं कर रहा है। मामला गंभीर होने के चलते अफसर मीडिया के सामने चुप हैं और पूरी जिम्मेदारी पुलिस भर्ती बोर्ड के कंधों पर डाल दी है। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में तमाम बंदिशों के बावजूद बड़ी तादाद में सॉल्वर गैंग पकड़े गए। जाहिर है कि दारोगा भर्ती परीक्षा में इन गैंगों की संलिप्तता रही है, इस बात से इनकार करना नामुमकिन है।